पुलिस ने लॉन्च किया QR बेस्ड ई बीट पेट्रोलिंग सिस्टम। जमशेदपुर में अब होगी स्मार्ट पुलिसिंग। पुलिस ने जमशेदपुर समेत जिले भर में QR बेस्ड ई पेट्रोलिंग सिस्टम लागू कर दिया है। SSP प्रभात कुमार ने साक्षी में PCR परिसर में इस सिस्टम की शुरुआत की। इस सिस्टम के तहत जमशेदपुर समेत जिले भर के 1500 स्थानों पर बारकोड लगाया गया है। साक्षी और बिष्टुपुर में यह व्यवस्था गुरुवार की रात से ही शुरू हो जाएगी। SSP ने इस सिस्टम की शुरुआत गुरुवार की शाम कॉम्पोजिट कंट्रोल रूम से की है। PCR वैन और टाइगर मोबाइल के जवान समेत गश्त पर निकलने वाले सभी लोगों को इस बार कोड को एक्सेस करना होगा। इसके जरिए कंट्रोल रूम समेत सभी अधिकारियों को पता रहेगा कि कौन सी गाड़ी गश्त कर रही है, कौन पुलिसकर्मी गश्त पर है और वह कहां गश्त कर रहे हैं, दिन और रात में मिलाकर कितनी जगह गश्त हुई है और कौन सा इलाका ऐसा है जहां अभी पुलिस गश्त करने नहीं पहुंची है या वो इलाका बराबर गश्त से छूट रहा है। कॉम्पोजिट कंट्रोल रूम में पत्रकारों को जानकारी देते हुए SSP प्रभात कुमार ने बताया कि इस सिस्टम के तहत SPCT, ASP, एडिशनल SP समेत सभी पुलिस अधिकारी गश्त करने वाली पुलिस टीम की निगरानी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सी टीम कहां पर है। SSP ने बताया कि अभी देश के किसी भी जिले में कहीं ऐसी व्यवस्था उनकी जानकारी में नहीं है। पहली बार यह व्यवस्था जमशेदपुर में लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर समेत पूरे जिले में PCR की 30 बड़ी गाड़ियां हैं। इसके अलावा हाईवे पेट्रोलिंग है। इसके अलावा 50 बाइक सवार पुलिसकर्मी गश्त करते हैं जिन्हें टाइगर मोबाइल कहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की सभी गाड़ियों में GPS भी लगा हुआ है। इससे पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी कितनी देर से कहां खड़ी है। अगर कोई गाड़ी आधे घंटे से अधिक एक जगह खड़ी रहती है तो इसके बारे में भी पता लगाया जाएगा कि वहां क्यों खड़ी है और पुलिस अधिकारी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम में कई नए फीचर भी आने वाले दिनों में जोड़े जाएंगे। SSP प्रभात कुमार ने बताया कि CTSP के विजय शंकर का ई बेस्ड पेट्रोलिंग सिस्टम को तैयार करने में बड़ा योगदान है। वैसे इस सिस्टम को विकसित करने में पूरी टीम का योगदान है। इसमें कई लोगों ने मिलकर काम किया है। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा वन ऑफ इट्स काइंड एक QR बेस्ड ई बीट पेट्रोलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इससे हमारा मकसद है कि जो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है अलग अलग गाड़ियों के द्वारा, चाहे वो PCR हो, टाइगर मोबाइल हो, थाने की पेट्रोलिंग हो, गश्ती को इम्प्रूव किया जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, गश्ती में जो पदाधिकारी और कर्मी रहते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी उन पर फिक्स की जाए, इसको लेकर के हम लोग आज ये एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। इस सिस्टम में जमशेदपुर पूरे जिला में लगभग 1500 लोकेशन को चयनित किया गया है। उस हर एक लोकेशन पर बार कोड लगाया जा रहा है जिसका काम आज से चालू हो गया है। आज से ये सिस्टम साक्षी थाना अंतर्गत सभी लोकेशन और बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सभी लोकेशन में कार्यरत हो जाएगा और ये रियल टाइम इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सा पुलिस ऑफिसर, कौन सी गश्ती पार्टी किस किस लोकेशन में दिन भर और रात भर में कितने बार गई है, या फिर अदर वे भी कौन सा ऐसा लोकेशन है जो पुलिस के द्वारा अनटच्ड रहा है, पुलिस वहां गश्ती नहीं कर पाई है। इसका रिपोर्ट प्रत्येक दिन हमारे पास आएगा, CTSP के पास आएगा और हमारे जितने तमाम सीनियर पदाधिकारी हैं सबको उस रिपोर्ट के लिए एक्सेसिबिलिटी दी गई है। वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में मॉनिटर कर सकते हैं और इससे हमें उम्मीद है कि जो हमारा गश्ती है, जो पेट्रोलिंग है, उसकी एफिशिएंसी काफी बढ़ेगी और पूरे जमशेदपुर जिला का एक एक कॉर्नर, एक एक प्रतिष्ठान जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम के दृष्टिकोण से, सब पर पुलिस का प्रेजेंस और विजिबिलिटी काफी बढ़ेगी। सर, ये व्यवस्था और भारत में कहाँ कहाँ है? देखिए, मेरी जानकारी में अभी तो ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है, बट इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, बट थ्रू मीडिया या अदर वे जो भी जानकारी मिलती है उसको उस में अभी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सर, आपके जहन में कैसे आया ये बात? कितनी गाड़ियां? जैसा मैंने बताया कि पूरे जिला में आज के डेट में PCR और हाईवे पेट्रोलिंग मिलाकर के 30 बड़ी गाड़ी है जो सफारी गाड़ी है, 50 मोटर बाइक्स है जिसको हम लोग टाइगर मोबाइल के नाम से शहर में चलाते हैं, उसके अलावा प्रत्येक थाना का कम से कम एक पेट्रोलिंग गाड़ी होता है। जो बड़े थाना है शहर के, जैसे बिष्टुपुर हो गए, साक्षी हो गए, इनके यहाँ दो दो तीन तीन पेट्रोलिंग चलती है।
तो ये सभी गाड़ियों में ये फैसिलिटी तो है ही, इनफैक्ट सभी ऑफिसर्स के लिए है, राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू एसएसपी, सबको इसकी फैसिलिटी दी गई है। सब लोग कहीं भी जाएंगे गश्ती के लिए, उनको स्कैन करना है, उनके मोबाइल में फीचर्स अवेलेबल रहेगा। प्लस आज हम लोग एक चीज और शुरू कर रहे हैं, जो भी पुलिस की जितनी गाड़ियां हैं वो सभी में जीपीएस लगा हुआ है, जिसकी मॉनिटरिंग रियल टाइम की जाएगी। जैसा मैंने अभी एक पीसीआर 18 का आपको डेमो दिखाया, उसमें ये सिस्टम लगाया गया है कि गाड़ी कितनी देर से खड़ी है, गाड़ी का इग्निशन ऑन है या ऑफ है। खास करके गर्मी के दिनों में ये शिकायत मिलती है कि जो हमारे पीसीआर में पदाधिकारी या कर्मी है, वो गाड़ी का इग्निशन ऑन करके एसी चला करके गाड़ी खड़ी रहती है, कोई पेट्रोलिंग नहीं होती है, तो उसकी भी यहां से रियल टाइम उसको देखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, खास करके रात के डेड आवर्स में 12 बजे के बाद, कि गाड़ी 3-4 घंटे तक एक किसी कॉर्नर में खड़ी है और पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, तो उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। इसमें सिस्टम लगाया गया है कि कोई भी पीसीआर अगर 30 मिनट से अधिक समय से खड़ी है एक जगह पर, तो वो एक पॉप अप आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा। गाड़ी अगर गश्ती कर रही है तो कितनी स्पीड में कर रही है, उसका स्पीड लिमिट तय किया गया है, जैसे ही स्पीड लिमिट क्रॉस करेगा तो अलर्ट आ जाएगा। तो ये तमाम फैसिलिटीज हम लोग फीचर्स इसमें दे रहे हैं, और अभी ये स्टार्टिंग है, जैसे जैसे इसको काम करना शुरू करेगा, इसमें और फीचर्स की आवश्यकता होगी, मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता होगी, तो हम लोग करेंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जो भी हम लोग अभी पुलिसिंग कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़े, उसका रिस्पांस टाइम बढ़े, और इससे अल्टीमेट बेनिफिट यहां के पब्लिक को जाए। देखिए, इसमें आत्मप्रशंसा वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग जितने लोग यहां बैठे हैं सब लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। हमारे एएसपी सिटी साहब ये टेक्निकल काफी टेक सेवी हैं, और आइडिया जब आया तो स्पीयर हेड यही कर रहे थे, ये लगभग पिछले एक महीना से इस पे काम कर रहे थे। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इन्हीं के द्वारा ऐड किया गया है। तो हम लोग बैठ के एक दिन डेलिब्रेशन कर रहे थे कि इस जो खास करके पेट्रोलिंग है इसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाई जाए, तो उसमें बहुत सारा आइडियाज आया, बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें किसी एक आदमी का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि यह सिर्फ मेरा ही आइडिया है तो ये गलत होगा, टीम एफर्ट है और सब लोग मिलकर इसमें हम लोग काम। सर, गाड़ियां अगर आधा से एक घंटा के बीच खड़ी, आप पता चल जाएगा सिस्टम पे, और जो लोग भी सिस्टम में देख रहे हैं, जैसे अगर मैं देख रहा हूँ, सिटी एसपी देख रहे हैं, एएसपी देख रहे हैं, उन लोगों को पता चलेगा, तो कंट्रोल में इमीडिएट मैसेज करेंगे कि पीसीआर 100 पिछले आधे घंटे से खड़ी है, क्या कारण है, क्यों है। पब्लिक को इसमें कुछ नहीं करना।